दोस्तों वीवो Y22 में आप लोग कैसे इसके ऑफिशियल स्टॉक डायलर को इंस्टॉल कर सकते हैं और गूगल डायलर को रिमूव कर सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसी वीडियोज़ देखने को मिलती रहती हैं। दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास गूगल डायलर है, और गूगल डायलर में यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वह कॉल रिकॉर्डिंग में। एक तो यहाँ पर आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिलती किसी किसी डिवाइस में, और अगर मिल भी जाए ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग तो यहाँ पर एक और इशू है जो कि है यहाँ पर दिस कॉल इज़ नाउ बीइंग रिकॉर्डेड, या फिर ये कॉल अब रिकॉर्ड की जा रही है, कुछ इस तरीके से आपको अनाउंसमेंट मिलती है और अगले बंदे को भी अनाउंसमेंट मिल जाती है, अगले बंदे को भी पता चलता है कि अब जो है कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। और दूसरा इसका इंटरफेस भी कुछ अच्छा नहीं लगता, जैसे कि यहाँ पर अगर हम कॉल मिलाकर आपको दिखाएं, हम इसको यहाँ से ख़त्म करें और यहाँ पर वीवो के ऑफिशियल डायलर को यहाँ पर ओपन करें, और इसको यहाँ से मैं सेटर्स डिफ़ॉल्ट करके आपको इसका इंटरफेस भी चेक करवा देता हूँ। और ये देखें दोस्तों, ये है इसका कुछ इंटरफेस, और कॉल रिकॉर्डिंग में जाकर यहाँ पर आपको एक तो कॉल रिकॉर्ड और कॉल्स ऑटोमेटिकली का ऑप्शन मिल जाएगा, दूसरा यहाँ पर मैं इसका इंटरफेस भी आपको चेक करवा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग कैसे कर सकते हैं, आपने करना क्या होगा, आपने जाना है गूगल पर, गूगल पर जाकर सर्च करना है नदीम ट्यूब वन ब्लॉग स्पॉट। यहाँ पर आप लोग इस तरह से जैसे ही सर्च करेंगे आपको पहले नंबर पर मेरी ब्लॉग स्पॉट मेरी वेबसाइट मिल जाएगी, सिंपली आपने इस पर टैप कर देना है। यहाँ पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी, इस वेबसाइट को आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोस्ट मैंने डाली हुई हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग जो कुछ भी यहाँ से डाउनलोड करना चाहें वो कर सकते हैं। तो अब आपने डाउनलोड करना है यहाँ पर वीवो डायलर, तो आप लोगों को ऊपर यहाँ पर मिल जाएगा वीवो डायलर के नाम से एक पोस्ट, उस पर आपने क्लिक करना है। वहाँ पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे एक आपको फ़ोन मैनेजमेंट की एप्लीकेशन की डाउनलोड लिंक मिल जाएगी, और एक आपको गूगल यानी कि मैसेज जो वीवो का ऑफिशियल डायलर है उसकी लिंक मिल जाएगी। तो ये देखिए डाउनलोड का बटन, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। उससे पहले आप लोग इसको ज़रूर से पढ़िएगा पूरा कुछ जो कि मैंने लिखा हुआ है, इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपने डाउनलोड कर लेना है, आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया वेबसाइट से, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया है कि आप लोग वेबसाइट से, तो आप लोगों ने जो है हमारी वेबसाइट से इन दो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। पहली एप्लीकेशन है ये वाली और दूसरी वाली एप्लीकेशन है ये वाली, तो इन दोनों में से आप ये जो है ना आपको दोनों को दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल यानी कि डाउनलोड करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर पहले जो है इनका जो वाली को यहाँ से टैप करके इसको इंस्टॉल करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया और इसलिए अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। अब उसके बाद आपने यहाँ पर डायलर में क्लिक करके इसको भी यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है, जो कि बेसिकली आपका फ़ोन एप्लीकेशन रहने वाली है। अब ये काम हो गया तो अब आपने यहाँ पर जाना है होम स्क्रीन पर, होम स्क्रीन पर जाने के बाद अब आपने यहाँ पर इसको ओपन करना है, आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, वो परमिशन आपने अलाउ कर देनी है। उसके बाद आपने थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉल सेटिंग पर क्लिक करके रिकॉर्ड सेटिंग पर क्लिक करके रिकॉर्ड और कॉल्स ऑटोमेटिकली पर सेलेक्ट करके यहाँ से इसको एग्री कर देना है, उसके बाद ये आपका आ जाएगा। उसके बाद आपने जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद आपने जाना है ऐप्स में, ऐप्स में जाने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर सी ऑल ऐप्स पर क्लिक करके यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है फोन मैनेजमेंट। ये देखें फ़ोन मैनेजमेंट हमारे सामने एक एप्लीकेशन है जो कि आ चुकी है हमारे सामने। आपने परमिशन पर क्लिक करके ये जो सारी सारी परमिशन है इनको यहाँ से कुछ इस तरीके से अलाउ कर देना है, और कुछ एप्लीकेशन को आपने कुछ इस तरीके से अलाउ करना है कि यहाँ पर ये देखें अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द एप्लीकेशन, तो ये आपने कर देना है। उसके बाद रिमूव परमिशन इन फ्री ऑफ स्पेस ये आप ऑफ कर दीजिएगा, और ये वैसे भी ऑफ हुई होगा। अब यहाँ पर ये काम होने के बाद अब आपने यहाँ से जो है डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स इसको ऑन कर देना है, और अलाउ मॉडिफिकेशन वो जो है उसको भी अलाउ कर देना है। उसके बाद आपने यहीं पर ही जो है आपने गूगल डायलर यानी कि फ़ोन सर्च कर लेना है, फ़ोन हम सर्च करते हैं देखें ये रहा, तो इसको यहाँ से आपने डिसेबल कर देना है, बेसिकली ये वाला नहीं है तो यहाँ से हम मैनुअली देख लेते हैं कि कहाँ पर हमें ये मिल जाएगा, तो यहाँ से ये रहा, तो इसको यहाँ से आपने दोबारा से कर देना है डिसेबल डिसेबल। यहाँ पर आप लोग जैसे इसको डिसेबल कर देंगे अब आपको यहाँ पर गूगल डायलर नहीं मिलेगा, और वीवो डायलर को आप लोग इजीली इंस्टॉल यानी कि यूज़ कर सकेंगे अपने वीवो Y22 में और भी किसी भी वीवो के डिवाइस में जिसमें एंड्रॉयड 12 है, एंड्रॉयड 13 है, एंड्रॉयड 10 या फिर एंड्रॉयड 9 के लिए, एंड्रॉयड 8 के लिए, वैसे 8 या 9 में तो आपको ऑफिशियल स्टॉक डायलर ही मिलेगा, लेकिन फिर भी 10 में या फिर 11 में आपको कोई इशू आ रहा है तो आप लोग मेरे चैनल पर वीडियो जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं।
बाकी दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो वाकई में पसंद आई है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।